ब्यूटीफुल लोकेशन को छोड़ने का टाइम आ गया है। ओके, बट यस कैंप साइट वॉज वेरी गुड, बहुत ही प्यारा था। बट हैपनिंग हाँ, अगर अगर आप सीनियर सिटीजन है या ऐसा कुछ है जहाँ पे आप चल नहीं सकते ज़्यादा, तो प्लीज़ इस जगह को अवॉइड करो, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे बहुत चलने का है और ज़्यादा ही है चलने का। आपको ऑलमोस्ट अगर आप ट्रेन पकड़ के भी आओगे तो भी आपको मोर देन 25 मिनट्स का वॉक करना पड़ेगा। सो अगर चलने का है तो आप इस जगह पे आ सकते हो। इन टोटल माथेरान हैज 37 पॉइंट्स टू यस, सी 37 पॉइंट्स। और अगर आप मतलब एक पॉइंट पे अगर आप गए और वहाँ पे अगर आपने ब्यूटी देख के अगर आप रुक गए तो फिर ख़त्म, फिर आप 5 पॉइंट्स भी नहीं देख पाओगे। वो वाला चीज़ है। और देखो वो जो हॉर्सेस वाला होता है जो पॉइंट्स दिखाते हैं, प्लीज़ मेहरबानी करके उनके वो हॉर्स पे पॉइंट देखने का कोई मतलब नहीं है। या तो उनको ऐसा बोलो सिर्फ एक पॉइंट दिखाने का हमें बताओ, क्योंकि आप जब वहाँ पॉइंट्स पे जाओगे फिर आपको टाइम लग सकता है, फिर वो जल्दी जल्दी में वहाँ से ऐसे देखे ना देखे करके फिर आने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। अभी हम जाने वाले हैं मार्केट, मार्केट से कुछ खाएंगे। मेरा मसाला डोसा खाने का मन है, तुम लोगों का? मैगी व्हाई नमू को डोंट यू तो बोर्न वो इन साउथ आंटी की इंडिया मैगी खानी है। तपन तेरे को व्हाई डिडंट यू बोर्न इन साउथ इंडिया आए वो अलग डेफिनेटली बात है, लेकिन आज मैं का मुझे डोसा खाना है जैसे नहीं मैं बोल रहा था सी खिचड़ी खाना है साउथ इंडियन इज द काइंड ऑफ यू आई नो एम टिपिकल गुजराती कोई नहीं मुझे ऑफिस में पूछेगा ना तो पहला ऑप्शन यही रहेगा दाल खिचड़ी नहीं नहीं दाल खिचड़ी बरोबर है, लेकिन अभी कैसा होता है कि जब हम जाते हैं ना मॉर्निंग में, अभी ये घाट पे गाड़ी चलाने की आएगी, सब कुछ रहेगा, आई तो नो फिर उस सब चीज़ों में क्या है कि साउथ इंडियन जो है वो एक यस सटल ब्रेकफास्ट रहता है, और उसकी वजह से मैं हमेशा साउथ इंडियन प्रेफर करता हूँ। अभी ज़्यादा खाना खा लिए, दाल चावल मान ले के खा लिए, तो फिर क्या है कि फिर नींद आने लगती है। अभी हमें 3.5 घंटे की जर्नी और करने की है। सो पहले नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ कर अमन लॉज जाएंगे, वहाँ से पार्किंग तक का भी वॉक है, वो वॉक कंप्लीट करेंगे। फिर वॉक कंप्लीट करने के बाद दस्तूरी पार्किंग से गाड़ी निकाल कर फिर हम घर की ओर गाड़ी जाएंगे। निकालना इज अ टास्क नाउ गाड़ी निकालना भी एक बड़ा टास्क रहने वाला है, लेकिन देखते हैं कैसा सिचुएशन है, क्योंकि आज संडे है, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और जाते वक्त भी हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है। तो लेट्स सी क्या है क्या नहीं। फाइनली अभी हम बैठ चुके हैं टॉय ट्रेन में, और माथेरान टॉय ट्रेन का फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, वी आर जस्ट ट्राइंग। और ये दोनों भी तैयार है, चप्पन कुछ अजीब सी शक्ल बनाता हुआ। अभी इसका जो स्केड्यूल है वो अराउंड टू अराउंड 3 बजे और 5, 3:10 का है, और उसका पूरा जो स्केड्यूल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में रख देता हूँ, तो आपके भी काम में आएगा। बाकी बस अभी शुरू होगी जर्नी, क्यू में बहुत ज़्यादा खड़ा रहना पड़ता है। और अगर आप कौन सी सेकंड क्लास की टिकट लेते हो तो 45 रुपीज़ में आएगी, और वही टिकट अगर आप फर्स्ट क्लास के लोगे तो वो आएगी आपको 305 रुपीज़ की आएगी। सो जैसे आपको टिकट मिलेगी उसके हिसाब से ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपको ये टॉय ट्रेन को कैच करना है तो।
we reach to the Aman Lodge. अभी ढाई घंटे की और जर्नी बाकी है, लेकिन हम यहाँ पे खाना खाने रुके। आज खाना बहुत लेट हो गया, आज 4 बज गए अभी, और अभी खाना खाएंगे, फिर उसके बाद सीधा घर। तो आपको सीधा घर पे मिलता है क्या? लोना वाला रुकना, सीधा घर, सीधा घर।